ये देखें जी, ईद की तैयारियां अभी से हमारी जी स्टार्ट हो गई हैं माशाल्लाह से। कल का आपने व्लॉग देखा होगा ईद की शॉपिंग का, और आज फिर हम लोग माशाल्लाह से दिलावर सैलून पर आए हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप सोच रहे होंगे सोनी आज कहाँ घूम फिर रही है, तो आज मैं जा रही हूँ दी लविश सैलून पर। आज दो तीन दिन पहले उसकी ओपनिंग हुई थी, और वहाँ पे मैं जाऊँगी। वहाँ पे जैसे आपको पता है कि ईद आने वाली, और स्पेशली अगर गर्ल्स ना जाएँ तो बेचैन रह जाती हैं। तो आज हम खुद को खूबसूरत बनाने जा रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ इलामा इकबाल टाउन के ऑपोजिट है, बिल्कुल जैसे दीवान वाली पुली है। मैं आपको एड्रेस पूरा जितना भी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बिल्कुल आपके उसके दीवान वाली पुली जो है ना, मशहूर है भावलपुर में वो जगह, तो वहाँ पे दी लविश सैलून है। तो मैं वहीं जाऊँगी, आपको पूरा विज़िट कराऊँगी, दिखाऊँगी कि कैसा है और मैंने क्या क्या करवाना है। तो आपने आज की वीडियो कम्प्लीट देखनी है, स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। तो माशाल्लाह से हम लोग पहुंच गए हैं दी लविश सैलून पर, अपर पोर्शन है। अच्छा जी, तो हम लोग माशाल्लाह से अंदर मैं आप लोगों को विज़िट कराती हूं। ये देखें, ये जो इसका लेफ़्ट हैंड पे है ये वेटिंग एरिया, वेटिंग एरिया इनका बहुत खूबसूरत है और काफ़ी बड़ा बनाया गया है, ताकि लोग आराम से बैठ के वेट कर सकें। सामने जी रिसेप्शन है, और कटिंग एरिया आप ठीक है। अच्छा, वैसे रिलैक्सेशन के लिए बहुत इजी होता है लेट के। अच्छा, ये जीन का इन्होंने अलग से सेक्शन बनाया गया है। ये देखिए इनका फेशियल रूम है, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है। बाहर से मैंने लुक वहीं से मैंने कर ली थी। अच्छा सही है जी। अच्छा ये वैक्स, ठीक है। तो आपके पास कौन कौन सी वैक्स होती है? सही, ऑल टाइप स्किन के लिए। हाँ बस ये है कि आजकल ये, वैसे आपने बहुत अच्छा और खूबसूरत बनाया हुआ कि इंसान रिलैक्स होके काम करवाए अपना। ठीक है जी। और ये किस मैनीक्योर पेडीक्योर? अच्छा जी, सही हो गया, सही है। अच्छा ये मैनीक्योर। अच्छा तो क्या आजकल मतलब चल रहे हैं आपके, क्या कोई डील्स वगैरह हैं क्या हैं? सही है, कम पैसों में अच्छा काम करवा रहे हैं। चलो इंशाल्लाह, ये तो अभी हम इनसे करवाएंगे, आपको इसका रिव्यू भी देंगे कि इनका काम कैसे है, हमें क्या और क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे डील है, वो भी मैं आप सबको बताऊंगी। और आप देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में होगा। इनका फ़ोन नंबर भी, अगर आप चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं इनसे। और मेकअप वगैरह आपके सबसे ज़्यादा क्या मतलब वो है? अच्छा, मेकअप ईद के बाद स्टार्ट करेंगे। तो अभी 30% ऑफ चल रहा है क्या, या डील्स में ज़्यादा? हमने दी गए ऑफ ही दिया हुआ। अच्छा, ऑफ दिया हुआ है। चलें, ये तो माशाल्लाह बहुत प्यारी सेटिंग है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अभी स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी, ईद की तैयारियां अभी से हमारी जी स्टार्ट हो गई हैं माशाल्लाह से। कल का आपने व्लॉग देखा होगा ईद की शॉपिंग का, और आज फिर हम लोग माशाल्लाह से दी लविश सैलून पर आए हैं। और थोड़े से अगर लेडीज़ फ्रेश ना हो तो फिर ईद का मज़ा ही नहीं आता। तो इस तरह से मेहंदी हो या फिर चांद रात को, ज़्यादा आपको पता है कि तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो बस आज हम इनके पास आए हैं, और अपने आप को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए हर औरत की ख्वाहिश होती है कि वो बहुत खूबसूरत तैयार हो, तो उसके लिए आपको सैलून आना चाहिए।
और अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। ज़्यादातर जो घर पे ख़वातीन रहती हैं वो सारा दिन काम की वजह से, ये है कि बच्चों को संभालना और इस तरह से, और कुछ नहीं। तो आप महीने में एक बार ज़रूर आया करें सैलून और अपने आप को फ्रेश रखें, तैयार रहें अपनी फैमिली के लिए, अपनी अपने लिए भी। ये नहीं है कि आप किसी और के लिए, जो ख़वातीन हैं जो शादीशुदा हैं उनके लिए तो चलें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन जो यंग है या फिर वो वैसे ही अपनी ज़ात के लिए, ताकि इंसान खुद रिलैक्स हो, खुश रहे, तो ये खूबसूरती भी एक नेमत है जी। उसे अच्छा, तो हमने कौन सा स्पेशल आप खुद भी बहुत प्यारी हैं और सबसे ज़्यादा अच्छी तो आपकी डील है और आपके वर्कर भी बहुत स्माइलिंग फेस पे हैं कि देख के इंसान ना रिलैक्स हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, और भी ज़्यादा होना चाहिए। पता है इंसान घर से जब निकलता है ना, सो टेंशन है, जो बच्चे छोड़ के आते हैं इस तरह से, फिर आगे अगर आप इतना अच्छा सा लगाएंगे ना, रिलैक्स होकर मसाज होता है ना, हमारी आधी टेंशन दूर हो जाती है। दूर हो जाती है बिल्कुल, और ये टेंशन दूर करने के लिए सैलून में ही आते हैं। आपका 150 वन साइड है और मेहंदी बीमारी हो गई। अच्छा, मेहंदी भी आपकी, और 150 एक साइड का, विदाउट केमिकल मेहंदी है, मतलब कोई इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। कराची के तो वैसे भी बहुत मशहूर होती है, रेड जो कलर वाली मेहंदी होती है ना, फौरन ही है ना हो जाती है ना। सही है, अभी इसको लगाए हुए भी 4 दिन। हाँ, अच्छा, कुछ मेहंदी होती है वो बिल्कुल खराब कर देती है ना, केमिकल तो कोई स्पेशल मेहंदी, मतलब आपकी आपकी सैलून से मिलेगी अगर कौन लेना चाहें तो हम। हाँ, वो 100। अच्छा, कौन भी मिल जाएगी, और मेहंदी का 150 वन साइड का, ये भी ठीक है माशा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा, विज़िट कीजिएगा स्पेशली यहाँ पे मेहंदी के लिए, और ये कटिंग एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह से, आपने इनकी सेटिंग देख ली है, तो आप ज़रूर आइएगा। इनका स्टाफ, ये खुद भी बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, और बहुत बहुत मुझे यहाँ पे मज़ा आ रहा है, और बिल्कुल फील नहीं हो रहा है जैसे अक्सर हम सैलून में जाते हैं, हमें अजीब सी फीलिंग्स आती हैं कि ये पता नहीं कैसे करेंगी क्या करेंगी, तो इस तरह का नहीं है, बिल्कुल घर जैसा माहौल, बिल्कुल अपना समझ के काम, साफ़ सुथरा, सफाई का ख़ास ख्याल है इनके, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो इनकी सेक्शन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन, ये नहीं है कि कोई चीज़ें अलग से केमिकल्स हैं या ज़्यादा, इनका रिजल्ट भी है और ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैं भी मेहंदी ट्राई करूँगी, और ये देखिए नेल पॉलिश की कलेक्शन है इनके पास, तो अभी ज़रा हम लगवाएंगे भी सी मेहंदी और इनका ट्राई भी करेंगे, फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। कुछ ऐसे वैसे टोटके नहीं है जो चीनी घोल के इस तरह के कलर नेचुरली आ जाता है। हाँ जी, तो नेचुरल जो कलर आना हो तो वो आ जाता है, जो पूरी रात लगा के सो जाते हैं। हाँ, नहीं, नहीं, जब तक मेहंदी वेट होगी ना आपकी, तब तक उसका कलर आ जाता है। अच्छा, कोई कोई मेहंदी ऐसी होती है जो ना सूखने के बाद कलर देती है। अच्छा, तो इसका क्या है कलर, ये सूखने के बाद देगी? नहीं, इसका तो फोर ही आ जाएगा, तो क्लाइंट फोर एंड हैप्पी हो जाए। स्किन में ऑब्जर्व हो जैसे पहले जमाने में होती थी, सासायमा मेहंदी घर की मेहंदी है ना। अच्छा, ये घर की मेहंदी घर पे स्पेशल बनवाई जाती है, और इसको लगाए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं। अच्छा माशाल्लाह, इन्हीं मेहंदी में बर्तन भी धुले हैं, बहुत सारा काम भी हुआ है, लेकिन ऐसे कैसा हुआ। हाँ जी, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। जी अल्ट्रा फेशियल हो गया, स्किन पॉलिश हो गई, और स्किन पॉलिश का बहुत अच्छा रिज़ल्ट था, फेशियल में बहुत मज़ा आया, मसाज में, और इनका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा था, सफाई का स्पेशली बहुत ख्याल था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और ये फ़र्क आपके सामने तो है। क्या कहना चाहेंगे जो घर पे ख़वातीन हैं या जो अभी अभी स्टार्ट करना चाहती है सैलून, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? कोई अच्छा मैसेज है, या घर से निकल के इंसान फेशियल के इस रूटीन में आए ना, तो अच्छी बात है। मतलब कि इंसान इतनी टेंशन में रहता है, हर तरह की टेंशन होती है, बच्चों की टेंशन होती है, यहाँ पर आए फेशियल की मसाजिस लें,
रिलैक्स होंगे, घर जाके खुद भी अच्छा करेंगे, बच्चों के साथ भी अच्छा बिहेव होगा, शोर भी खुश होगा, घर वाले भी। आजकल हर लड़की को आना चाहिए, तो मैं नहीं कहती कि पॉलर आए, आपको इतना आना चाहिए कि आप अपने लिए कुछ कर सकें, अपने लिए कुछ कर सकें। और ये मैं कहूँगी कि हर कोई ना दूसरे की स्किन को अपनी स्किन समझ के काम करे ना, बिल्कुल बेस्ट। वाकई में अगर आपका काम अच्छा होता है ना तो बार बार कस्टमर आपके पास आते हैं। और इंशाल्लाह हमारा तो न्यू ओपनिंग में इंशाल्लाह उम्मीद है कि पसंद आएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच दी लविश सैलून, बहुत इन्जॉय किया आज हमने, और बेस्ट ऑफ लक। तो आई होप आप लोगों को ये सब ब्लॉग अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।